हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा सेशन है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग देखेंगे, सेशन का नाम है कल की अखबार से। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेशन का, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द ऑपरेशन सील टू फाइट अगेंस्ट COVID-19? किस राज्य ने COVID-19 से लड़ने के लिए ऑपरेशन सील्ड शुरू किया है? ऑप्शन से आपके ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटका। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है दिल्ली। इसके चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के मिस्टर अरविंद केजरीवाल। शील्ड का फुल फॉर्म है SHIELD। इसका फुल फॉर्म है एस फॉर सीलिंग ऑफ इमीडिएट एरिया आफ्टर ज्योग्राफिकल मार्किंग। क्या किया जाएगा, जिस एरिया में भी COVID यानी कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, पर्सन हैं, उस एरिया को सील कर दिया जाएगा। दूसरा है होम एच फॉर होम क्वारंटाइन फॉर ऑल इन द एरिया। जिस एरिया में भी COVID यानी कोरोना वायरस से संक्रमित लोग पाए जाएंगे, उस एरिया को टोटली सील कर दिया जाएगा। थर्ड है आइसोलेशन, आई फॉर आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग ऑफ पीपल हु हैज बीन फर्स्ट और सेकेंड कॉन्टैक्ट। वैसे लोग जो इन पर्सन के यानी इस कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के कॉन्टैक्ट में एक या एक से अधिक बार आ चुके हैं, उनको आइसोलेशन में भेजा जाएगा यानी आफ्टर ट्रेसिंग। ई फॉर है इसेंशियल सप्लाई। जो भी इस एरिया में लोग हैं उनको इसेंशियल सप्लाई यानी फूड्स वगैरह या मिल्क है, जो भी इसेंशियल सप्लाईज की चीज़ें होती हैं डे टू डे लिवलीहुड्स के लिए, उसको सप्लाई किया जाएगा। एल फॉर है लोकल सैनिटाइजेशन एंड डिस इन्फेक्शन ऑफ दोज एरिया। जिस एरिया में भी कोरोना से वायरस संक्रमित लोग पाए जाएंगे, उस एरिया को पहले सैनिटाइज किया जाएगा। और डी फॉर डोर टू डोर चेकिंग। डोर टू डोर चेकिंग यानी सैंपल के लिए हॉस्पिटल या कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ खुद डॉक्टर्स आएंगे और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे। ओके, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट टू एक्सटेंड लॉकडाउन टिल 30 अप्रैल? देखिए, 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया था कि इस लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। इसमें से एक राज्य पहले है जिसने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। ये कौन सा राज्य है ये बताना है, और ये 30 अप्रैल तक। आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ओडिशा। ओडिशा के जो सीएम हैं वो है मिस्टर नवीन पटनायक। गवर्नर हैं मिस्टर गणेशी लाल। इस यहाँ पे फेमस लेक जो है वो चिल्का लेक है, जहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग भी कंडक्ट की जाती है। फेमस डैम है हीराकुंड डैम, इंद्रावती डैम और कोलाब डैम। यहाँ पे एक फेमस टेम्पल भी है जिसको हम लोग सन टेम्पल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच अमाउंट सेंटर हैज सैंक्शन टू स्टेट टू फाइट COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज। सेंटर ने स्टेट्स को कितने अमाउंट का पैकेज इमरजेंसी रिस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज के रूप में सैंक्शन किया है? आपके ऑप्शंस हैं 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 12,500 करोड़, 16,000 करोड़ एंड 4,441 करोड़। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है 15,000 करोड़। इसके मतलब हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च टू ऐप, कंटेनमेंट सर्वे ऐप टू कीप एन आई ऑन दोज रिसाइडिंग इन ओवर कंटेनमेंट जोन और COVID हॉटस्पॉट एंड होम क्वारंटाइन ऐप टू मॉनिटर द रियल टाइम लोकेशन ऑफ क्वारंटाइन इंडिविजुअल, नेम द स्टेट्स। वो कौन सा राज्य है जिसने ये दो ऐप लॉन्च किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली एंड गुजरात। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने दो ऐप, कंटेनमेंट सर्वे ऐप और होम क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
As per RBI, what will be the inflation rate of India in financial year 2021? RBI के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 2021 तक के 2021 तक यानी 2020 के एंड तक भारत का इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? ऑप्शन है 4.5%, 4.4%, 4.8%, 2.7% एंड 2.4%। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है 2.4%। अब देखिए इन्फ्लेशन रेट जो होगा वो 4.8%। आरबीआई ने क्या कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में 4.8% रहेगा, सेकेंड क्वार्टर में ये डिक्रीज होकर 4.4% तक हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर में ये 2.7% हो जाएगा और फोर्थ क्वार्टर में ये रेट जो होगा 2.4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, डोमिनिक रैब, वर्नी सैंडर्स, व्लादिमीर पुतिन, मिखेल मिशुस्तिन। आपके देखिए करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बोरिस जॉनसन। डोमिनिक रैब जो है फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटिश कैबिनेट में। अब इनका नाम इसलिए यहाँ पे लिया गया है क्योंकि बोरिस रैब जो है ये सॉरी डोमिनिक रैब जो है बोरिस जॉनसन के बिहाफ में ब्रिटिश कैबिनेट में बोलेंगे। आप जानते हैं बोरिस जॉनसन जो है वो COVID यानी कोरोना वायरस से संक्रमित है, इसलिए वो ऑफिशियल मीटिंग नहीं कर सकते, तो उनके बिहाफ में कोई बोलने वाला होना चाहिए, तो उनके बिहाफ में जो बोलेंगे वो है डोमिनिक रैब जो वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। बर्नी सैंडर्स यूएसए में एक रिवोल्यूशनरीज हैं। व्लादिमीर पुतिन के बारे में आप लोग सब जानते हैं, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के सीक्रेट सर्विसेज में भी काम कर चुके हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मिखेल मिशुस्तिन ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। आप अपने डाउट्स कुछ भी हो तो भेज सकते हैं, खासकर मैथ से रिलेटेड classtubeplus@gmail.com। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें।